हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन. द पॉइंट ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम. फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द बेस ए बी. तो ये हमारा 2018 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, बट सेम क्वेश्चन उसमें नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा मिलेंगे, वहाँ से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. तो ए बी सी डी चार कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम के गिवन है. हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारा एल्टीट्यूड है. तो हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है और जो वो एल्टीट्यूड है वो किस पे है, बेस ए बी है, ए बी पर है. तो हमने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया जो हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. तो ये हम सी से, क्योंकि बेस ए बी पे है तो आप इधर से भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो, बाहर भी बनेगा तो भी कोई नहीं, हाइट ही होगी. और यहाँ यहाँ से बनाओगे तो आपका ये अंदर की तरफ बन जाएगा, यानी कि ये एल्टीट्यूड. हम इसको पी पॉइंट लेते हैं, यानी कि हमें सी पी चाहिए. तो लेट की ये जो एल्टीट्यूड है उसको हम एच लेट कर लेते हैं. तो ये हमें यहाँ पे फाइन करना है. बेस ए बी पे बनाना था तो आपको ए बी नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉ करना है. अब आप यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर माइंड में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट चैप्टर में हमने क्या क्या फॉर्मूलाज यूज किए थे. उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके और यहां पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आप देखो, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है. यानी कि अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहां पे ये मैंने ए को यहां डी से ज्वाइन कर दिया. ओके, तो चाहे चाहे बी को डी से ज्वाइन करो, चाहे ए को सी से ज्वाइन करो, तो ये जो आपका इसका डायगोनल है ये इसको टू इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है. इन दोनों का एरिया इक्वल होता है. तो यहाँ चाहे आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसका डबल कर दो तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, और दोनों का अलग अलग फाइंड करोगे तब भी आप देखना दोनों का एरिया सेम आएगा. और एक हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का, बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है तो हमें ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, बेस हमें ए बी की लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें यहाँ फाइंड करना है. तो इस फॉर्मूले से तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. लेफ्ट फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, बेस हम यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे हाइट आ जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय जो बेस होगा वो हमारा यहाँ पे हाइट हो जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम चाहे आप ए बी डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो या बी सी डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, फॉर्मूला है उसका सीधा सा, वो लगा के हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. ओके, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है. इसको कैसे याद करना है ये मैंने आपको उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया है, और एक दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का. तो यहाँ हमें x1, y1, y2, y3 इन सब की वैल्यू हमें चाहिए. तो ये आपका ट्राइंगल है, आप इसमें कोई किसी को भी कुछ भी लेट कर लो. मैं यहाँ पे ए के कॉर्डिनेट को x1, y1 लेट कर रही हूँ, बी के कॉर्डिनेट को मैं x2, y2 और सी के कॉर्डिनेट को x3, y3. तो आप किसी को कुछ भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. इसको भी हम x1 y1, इसको x2 y2, किसी को भी कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. हाफ x1 हमारा कौन है, 4, फिर y2 माइनस y3, y2 इज 2, y3 इज 5. तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 5, फिर प्लस x2 है यहाँ पे 7, फिर y3 माइनस y1, y3 है 5 माइनस y1, तो 5, आइडेंटिटी का माइनस, और y1 हमारा -2 है. तो ये इस तरह से हम यहाँ पे राइट करेंगे. फिर प्लस x3 हमारा यहाँ -3, फिर y1, तो y1 हमारा यहाँ -2, माइनस y2, तो ये 2 आ गया. ठीक है, इस तरह से वैल्यू हमने पुट किया. अब आपको यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है. तो ये हो गया 1/2, 4 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 2 हमारा 3 हो गया, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा. फिर यहाँ पे प्लस 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 2 भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया. फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 3, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो 2 + 2 हमारा 4 हो गया, बट दोनों नेगेटिव है तो साइन भी यहाँ पे आएगा नेगेटिव आएगा.
ओके, तो 1/2, एक भी साइन की यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक आपके यहाँ हो गई तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्यूशन आप जो भी आगे सॉल्व करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 2 बार चेक करके इसको अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे साइन आपके बहुत सारे आएंगे। इसको बिल्कुल धीरे से एक बार सॉल्व करके फिर वापस इसको चेक कर लेना। तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो गया, 4 × 3 आपका यहाँ पे -12 हो गया, फिर प्लस 7 × 7 आपका यहाँ पे हो गया 49, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 × 3 हो गया 12 हो गया। तो +12 से -12 हमारा कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो गया, 49/2। क्योंकि ये एरिया है तो आपको यहाँ पे चाहे यूनिट पता हो या नहीं पता हो, आपको यहाँ पे इस तरह से राइट करना। अगर सेंटीमीटर, क्योंकि कोऑर्डिनेट में तो आपको यूनिट गिवन नहीं होगी, बट अगर आपने इस तरह से नहीं लिखा तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। तो 49/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ओके, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेते। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो 49/2 हो गया। तो यहाँ पे ये इसमें हमने वैल्यू पुट किया इस वाले फॉर्मूले में, 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 49/2 आया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू 49। ये भी एरिया है तो यहाँ भी यूनिट इसके साथ में लगेगी, ये स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हमें अब इस फॉर्मूले की जरूरत है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड कर लिया, अब हाइट हमें यहाँ फाइंड करनी है, बेस हमें चाहिए। बेस हमारा ए बी है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी को हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x2 − x1 का स्क्वायर प्लस y2 − y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनके ऊपर। तो यहाँ x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू चाहिए, तो ए बी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और x2 y2 ले, जो हमने पहले लिया था वही हमने रखा है। अब आप वैल्यू पुट कर लो, x2 − x1 तो 7 − 4 हो गया और होल स्क्वायर, y2 − y1 तो 2 और −2 − −2 हो गया, और यहाँ पे भी आ जाएगा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 7 − 4 = 3 स्क्वायर हो गया, −× − हमारा प्लस हो गया, तो 2 + 2 हो गया यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 25। और हमें पता है 25 के फैक्टर 5 × 5 होते हैं, तो सीधा रूट से बाहर होके हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि लेंथ है तो यूनिट आएगा। अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो नाउ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा यहाँ से आया था 49, ये वाला 49 इक्वल टू ए बी, ए बी हमारा यहाँ से कितना आया है 5 × h हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 49, h हमें h की वैल्यू चाहिए तो 5 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 यहाँ मल्टीपल में तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा आ गया h। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 9 × 10 = 45 आएगा, 4 और 0 तो डेसिमल लग के 8, 9.8 यूनिट हमारी इसकी क्या आ जाएगी हाइट, हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। तो हम फाइनल आंसर राइट कर देते, तो इस तरह हमने लिख दिया, हैंस लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 9.8 यूनिट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यूनिट चाहे आपके कोऑर्डिनेट चाहे चेंज अदर, बट क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये न्यू अलग से क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं था, ये सैम्पल पेपर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे आपको मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको आप 1-2 बार फिर से चेक करके और इसको देखना। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।